पिछले वीडियो में हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज के थोड़ा सा कवर कर लिया था, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था चैप्टर का, कार्बन कंपाउंड कैसा है, कि उसके अंदर हम कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हमें क्या करना है, कार्बन कंपाउंड का नामकरण करना है, ठीक है, बेसिकली नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या करना है, नेमिंग करनी है हमें कार्बन कंपाउंड्स की। तो क्या होता है, देखो आईयूपीएसी है एक यूनियन है, यूपीएसी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, आईयूपीएक नेमिंग, आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने दिए हैं कुछ रूल्स, इस यूनियन ने हमें क्या दिया है, कुछ रूल्स ये हैं जिनके अकॉर्डिंग हम करते हैं नेमिंग, ठीक है, या फिर मैं कह लूं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिए हैं हमें कुछ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं नेमिंग या फिर नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इनने हमारी नेमिंग को बहुत आसान बना दिया है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं, आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है। सबसे पहले तो आप समझिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। अगर हम किसी सिंपल नाम की बात करें, कोई भी नाम ले लें, अगर हम ले लें अगर हमने नाम लिया आशीष शर्मा, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला नाम इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम, क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम। ऐसे ही कार्बन कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं तो हमारे पास होता है एक प्रीफिक्स, ठीक है, एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है। दो प्रीफिक्स एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। और एक हमारे पास क्या होता है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम के साथ साथ क्या होता है, लास्ट नेम। तो वहां पर क्या वर्क करता है, सफिक्स। केमिस्ट्री के अंदर लास्ट नेम का काम कौन कर रहा है, सफिक्स। सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स दो टाइप के, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स दो टाइप के, सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप के, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह, मतलब स्टार्टिंग में रहेगा एक और एक रहेगा लास्ट में। प्रीफिक्स रहेंगे स्टार्टिंग में और ये क्या रहेंगे, लास्ट में। प्रीफिक्स कौन से होते हैं, जो पहले लगाए जाते हैं, बिफोर, ये क्या होते हैं, आफ्टर वाले, बाद में लगते हैं। जब प्रीफिक्स लग जाएगा उसके बाद क्या आएगा, सफिक्स। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक मिडिल नेम भी होता है, ठीक है, मिडिल नेम। तो यहां पर मिडिल नेम का काम कौन करेगा, रूट नेम, ठीक है, रूट नेम। ये तीन चीजें आपको समझना जरूरी है, प्रीफिक्स क्या है, रूट नेम से आगे आएगा, सफिक्स क्या, रूट नेम के पीछे लगेगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या, रूट नेम के आगे आएगा, सफिक्स रूट नेम के पीछे लगेगा। किसने रूल्स दिए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने, ठीक। चलो देखते हैं इन्हें क्या रूल दिए। अगर यहां लिखते हैं आईयूपीएसी,
ठीक है, आईयूपीएसी नॉमन क्लेचर। तो देखो नॉमन क्लेचर हमारा कितने पार्ट्स में बैठा हुआ है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है सेकेंडरी प्रिफिक्स। सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रिफिक्स, उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिफिक्स, देन आएगा आपका रूट नेम, कौन सा नेम, रूट नेम, देन आपका क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, एंड देन क्या आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर होते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। कौन से वाले लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो, NO2, IBrCl। मिथाइल होता है CH3, ये होता है C2H5, ठीक है। लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या आ रहा है, मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो आइडो, यानी ये कौन सा हेलोजेंस, ये कौन सा ग्रुप होता है हेलोजेंस, इन्हें अल्काइल हैलाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, कैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है, यानी क्या साइक्लो है, बाई साइक्लो है, कैसा आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। साइक्लो कैसा होता है, बेसिकली एक रिंग बनी होती है, ऐसे कैसे भी बना सकते हो रिंग, ऐसे भी बन सकते हो रिंग, यानी तीन कार्बन से ज्यादा, तीन या तीन कार्बन से ज्यादा, ठीक है। बाईसाइकिल मतलब एक आपकी साइकिल बन चुकी है, अब इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन से एक और रिंग बन जाए, ठीक है, ऐसा एक और देखो, यानी इन दोनों रिंग्स के बीच में दो म्यूचुअल कार्बन होंगे, ठीक है, दो रिंग्स के बीच में दो म्यूचुअल कार्बन होंगे, ठीक। इस पे इसके बाद आता है रूट नेम, रूट नेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी एटम्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन है हमारे पास तो उसका होगा, इसका नाम क्या होगा मिथ, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथ, तीन कार्बन है प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, दस का टेन कार्बन डेक, ठीक है, क्या हो जाएगा डेक। अब ग्यारह कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा अनडेक, बारह हो गए डूडेक, ठीक है। ये किस पे करेंगे डिपेंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड,
तो क्या लगेगा? तीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लगेगा? आयन। ठीक है, ये वही है अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या है तो आप जा सकते हैं फर्स्ट पार्ट को देखिए पहले जाकर, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक है, क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स? क्या बताया? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहां पर क्या पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या है? ये भी फंक्शनल ग्रुप है, वो भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? पहले लग जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बाद में लगते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल को लिखा जाता है OH से और इसका स्ट्रक्चर में इसे दिखाया जाता है OH से। ठीक है, दूसरा आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को लिखा जाता है AL, अल, और रिप्रेजेंट किया जाता है CHO से। ठीक है, तीसरा होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो, जिसे लिखते हो आप वो एक एसिड से, और रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल ओ एच। फिर आता है कीटोन, कीट होन, जिसे लिखा जाता है ओन और रिप्रेजेंट होता है सीओ से। दो और है, एक और है आपका ईथर एंड एस्टर। ठीक है, ईथर को क्या लिखा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ, सिर्फ ओ। ईथर में क्या आता है? ओनली ओ। ठीक है, इस तरफ आपकी एक चेन जुड़ जाएगी कार्बन की, इस तरफ एक चेन जुड़ जाएगी। एस्टर को अगर हम देखें तो एस्टर में आता है सी डबल ओ। क्या आता है? सी डबल ओ। चलो सबको एक बार यहां पर देख लेते हैं, एल्कोहल को देखने की जरूरत नहीं है। चलो एल्डिहाइड देखते हैं, एल्डिहाइड का क्या होता है? सी एच ओ से खोल के देखते हैं कैसा होगा। कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन और इस तरफ एक हाइड्रोजन, तो जो चेन होगी वो इस तरफ जुड़ेगी। ठीक है, दूसरा सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, सी एक ऊपर एक इधर और एच। ठीक है, तो चेन किस तरफ? इस तरफ जुड़ेगी। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? कीटोन। कीटोन में क्या है? सिर्फ सी और ओ, तो क्या होगा? कार्बन और उसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा, तो एक चेन इस तरफ और एक चेन इस तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, ईथर की अगर हम बात करें, ईथर में क्या है? ओनली ओ है, तो सीधी सी बात है ओ है इस तरफ, क्या होगा? वो होगा इस तरफ, एक चेन लग जाएगी इस तरफ, एक चेन लग जाएगी। ठीक है, ईथर में क्या होगा? ईथर में क्या होगा आपका? ओ है, इस तरफ कार्बन जुड़ जाएंगे, उस तरफ कार्बन जुड़ जाएंगे। ठीक, एस्टर की अगर हम बात करें, सी डबल ओ। ठीक है, ये देखो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़े थोड़े से, ये में बस हाइड्रोजन का फर्क है। ठीक, क्या होगा? एक ऊपर आ गया, एक इस तरफ आ गया, अब इस तरफ और इस तरफ चेन जुड़ेगी। ठीक, समझ गए? इसका समझ गए? कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? सॉरी, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर और एस्टर। ठीक है, इतना समझ गए? ये है आपका पूरा मेन चार्ट जिस पर आपकी नेमिंग होगी पूरी। ठीक है, खत्म हो जाएगी इसके अंदर सारी नेमिंग। प्रीफिक्स आ गया, सेकेंडरी, प्राइमरी, रूट नेम आ गया, प्राइमरी सफिक्स आ गया, सेकेंडरी सफिक्स आ गया, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखें बनाए अब नेमिंग करें, चलो देखते हैं। ठीक है, तो नेमिंग स्टार्ट करें।
सबसे पहले देखते हैं सिंपल, हमारे पास क्या है, कार्बन चेन, सिंपल बिल्कुल सिंपल, नहीं कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, तीन तीन। अब देखो इसमें कितने लग सकते हैं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो बचे, एक ऊपर एक नीचे लग जाए, मैं ये लिख देता हूँ दोनों, ठीक है सेम इसके अंदर भी। इसका नाम क्या होगा, देखो हमने जो पढ़ा, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट नेम, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, उस पर इतना ध्यान मत दो। आपका जो मेन फॉर्मूला है वो ये होगा, देखो प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस सफिक्स, बस ये, ठीक है। वो जो हमने सेकेंडरी क्या किया, प्राइमरी जो हमने प्रीफिक्स किया वो आपका थोड़ा नहीं आएगा अभी, आपको सिंपल इतना समझो, कुछ नहीं करना आपको, प्रीफिक्स रूट नेम और सफिक्स देखते हैं हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें कार्बन की चेन देखनी है, ठीक है, गिलियम देखा, चेन कैसे स्ट्रेट है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, जब कोई ब्रांच नहीं है तो हमें सीधे सीधे लेनी करनी, गिनो कितने कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कार्बन हुए, ठीक है, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए हमने क्या रूट नेम था, चार कार्बन के लिए रूट नेम क्या था, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है, चार के लिए क्या था, ब्यूट लिया हमने। अब यहां पर देखो प्रीफिक्स किसके लिए लग रहा था, कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रीफिक्स लगा रहे थे हम, ठीक है, लेकिन यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल चेन है कार्बन की, तो प्रीफिक्स लगाने की जरूरत खत्म, प्रीफिक्स नहीं लगेगा इस वाले में, ठीक। अब सफिक्स की तरफ जाते हैं हम, सफिक्स पे कौन सा वाला सफिक्स लगेगा, उस तरफ का कोई, इधर भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना अल्कोहल है, ना एल्डिहाइड है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा, लेकिन प्राइमरी सफिक्स लगेगा जो कि था बॉन्ड, और बॉन्ड कौन सी है इनके बीच में, देखो सिंगल बॉन्ड, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, एन, तो ये क्या हो गया, ब्यूट एन, ठीक है, क्या हो गया, ब्यूट एन। एक और देखो, ठीक है, ये वाला देखो, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन है इसके अंदर, हाइड्रोजन लगाओ, वैलेंसी कंप्लीट करो, ठीक, वापस वही छह कार्बन है, छह कार्बन के लिए रूट नेम क्या था, हेक्स, कोई प्रीफिक्स लगेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई पंचम ग्रुप ऐड नहीं है, ना कोई सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स लगेगा, जो बता क्या बोलता है, बॉन्ड कौन सा, ये देखो बस कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, सिंगल बॉन्ड, क्या लगेगा, एन, क्या बन गया, हेक्सेन, ठीक है, क्या बन गया, हेक्स एन। चलो अब हमारे पास आ जाए एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिखना, आप ऐसे समझ जाओ, ठीक है, क्या क्या मैंने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। अब देखो अब क्या होगा, कार्बन गिने, गिने कार्बन, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, छह कार्बन है इसके अंदर, सही है, तो ये छह से कौन सी तरफ पड़ रहा है, एक दो तीन चार चौथे पर पड़ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, सही बात है सही बात नहीं है, सही बात, हमें क्या करना है, जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप की मार्किंग कम हो, यानी इस तरफ देखो, एक दो तीन, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो उस तरफ से हमें नेमिंग करनी है, ठीक है, नेमिंग किस तरफ से, जिस तरफ से पास पड़ रहा हो, तो कितने कार्बन है इसके अंदर, छह, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, रूट नेम क्या लिखेंगे, हेक्स। अब इसके पास बॉन्ड कितने, देखो सिंगल बॉन्ड क्या लग गया, एन, क्या बन गया, हेक्सेन। अब देखो ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा वाला, क्या है ये, मिथाइल, याद है मिथाइल, कौन सा, लीस्ट इंपॉर्टेंट, कहां जाएगा, यहां पर, यहां पर। अब आ गया हमारे पास प्रीफिक्स, ठीक है, तो हम बोलेंगे मिथाइल जोड़ दो भैया,
क्या करो, मिथाइल जोड़ो। जुड़ गया मिथाइल, क्या नाम हो गया, मिथाइल एक्सेन। सही है? नहीं है सही। क्यों? अभी हमने ये तो बताया ही नहीं कौन से कार्बन पे, अब हमें पता ही नहीं होगा कौन से कार्बन पे, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे इसका? बताओ कौन से कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे। 1 2 3, अब बना ना 3-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, क्या मतलब? एक हमारे पास कार्बन की चेन है जिसमें 6 कार्बन है और तीसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बन गया 3-मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब देखो एक और आपके पास ऐसे याद है। अब एक मिथाइल यहां जुड़ा हुआ है, ठीक, एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है। अब किस तरफ से स्टार्ट करो भैया? नहीं, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से गिनोगे तो ये फर्स्ट वाले कितने पे पड़ रहा है? 3 पे। इस तरफ से गिनो, 1 2 3, फिर 4, पास कौन सा वाला? ये वाला। तो नेम किस तरफ से? इस तरफ से शुरू होगी। नेमिंग किस तरफ से शुरू होगी? पास की तरफ से। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। कितने मिथाइल ग्रुप? 1 2 3, पर 6 कार्बन का लिख लेते हैं हेक्स। ठीक है, हेक्स होता है 6 कार्बन का, सिंगल बॉन्ड है, कितना एन लग गया। ठीक है, हेक्सेन हो गया। अब देखो मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 3 3 है मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखोगे? ट्राई मिथाइल। क्या लिखोगे? ट्राई मिथाइल। ठीक है, बताना है 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल ग्रुप है। ट्राई से क्या बताओगे? मिथाइल। 2 होते तो क्या लिखता? बाय लिखता। 3 लेते ट्राई, 4 होते टेट्रा, 5 होते पेंटा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 ट्राई हो गए, किस तरफ है? 1 2 3 4, ये वाला दूसरे पे, ये वाला तीसरे पे, किस पे? चौथे पे। तो लिखो 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ गए? अगर हम क्या करें, मिथाइल ग्रुप एक से ज्यादा जोड़ दें तो क्या होगा? हम बताएंगे सबसे पहले सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। और कितने मिथाइल हैं? 3। तो कितने कार्बन है टोटल? 6 हेक्स, और बॉन्ड कौन सी है? एन, सिंगल बॉन्ड हेक्स एन। समझ गए? समझ गए? अब एक और लिख, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया एक। देख लो ध्यान से, क्या आ गया? डबल बॉन्ड। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 6। कितने कार्बन हो गए? 6। ठीक है, 6 कार्बन। अब करो काउंटिंग, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारा? ये रहा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? तीसरे कार्बन पे। बॉन्ड कहाँ है हमारी? चौथे कार्बन पे। सही है क्या? नहीं सही है। जब बॉन्ड आ जाती है डबल, तो इसको छोड़ देते हैं हम पीछे, फिर किसको प्रेफरेंस दी जाती है? बॉन्ड को। ठीक है, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? बॉन्ड को। तो गिनो, 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गई, सेकंड कार्बन से क्या जुड़ी है? डबल बॉन्ड। और फोर्थ कार्बन पे क्या है हमारा? फंक्शनल ग्रुप मिथाइल। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी? 6 कार्बन है इसके अंदर, लिखो हेक्स। अब बॉन्ड बदल गई भैया, कौन सी बॉन्ड है? कौन सी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। क्या आएगा? इन। क्या आएगा? इन। सही है ये? सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड कार्बन पे, बताना पड़ेगा ना। अगर आपके पास ये बन के आ गया हेक्सीन, तो क्या करोगे? पहले वाले कार्बन पे चढ़ा दोगे तुम तो डबल बॉन्ड।
बताना पड़ेगा कहाँ है डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे, कहाँ है डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे लिखो हेक्स टू इन, ठीक है, क्या लिखो हेक्स टू इन। अब देखो चौथे कार्बन पे क्या है हमारा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन, याद रखना इस चीज को। फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, लिख दो फोर मिथाइल, एक ही था, फोर मिथाइल हेक्स टू इन बन गया, क्या हो गया फोर मिथाइल हेक्स टू इन, हो गई नेमिंग डबल बॉन्ड के साथ। ऐसे ही अगर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए, सबसे पहले देखी जाएगी बॉन्ड किस तरफ है, बॉन्ड पास होनी चाहिए, एक दो तीन, तीसरे कार्बन पे बॉन्ड मिल गया हमें, ठीक है, चार पांच छह सात, सात कार्बन हेप्ट, ठीक है, तीसरे कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लगेगा आइन, ठीक। पांचवे कार्बन पे क्या है मिथाइल, और एक छठवे कार्बन पे क्या लिखोगे 5.6 डाई मिथाइल, ठीक है 5.6 डाई मिथाइल हेक्स 3 आइन। इसका मतलब क्या है, पांचवे कार्बन पे छठवे कार्बन पे, ठीक है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके अंदर हेक्स, हेक्स सात कार्बन के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड लग गया तीसरे कार्बन पे, ठीक है, समझ गए, आ गया समझ में, ठीक। देखो अगला देखो, ठीक है, अब देखो ये देखो, अब हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे क्लोरीन, ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, क्या लिखोगे पेंट बॉन्ड कैसे सिंगल एन हो गया। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन कहाँ है, अब इस तरफ से गिनो तो भी थ्री पे, इस तरफ से गिनो तो भी थ्री पे, क्या लिखोगे थ्री, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो पेंटेन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर क्या हो, क्या होता है, एक क्लोरीन यहां लगा है, एक क्लोरीन यहां लगा है, क्या करते है? सेम कार्बन गिनो कितने पांच है, देखो पेंट बॉन्ड कौन सा सिंगल एन लिख गया, पेंटेन हो गया। क्लोरीन देखो इस तरफ एक दो तीन, जिस तरफ से पास पड़े दो तीन चार पांच, टू कॉमा थ्री डाई क्लोरो पेंटेन, टू कॉमा थ्री डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसके अंदर क्या है ब्रोमीन क्लोरीन जुड़ गए, तो क्या होगा, आप क्या चलोगे अल्फाबेटिकली वाइज, क्या चलोगे अल्फाबेटिकली, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है अल्फाबेटिकली चलेंगे हम, तो देखेंगे पांच कार्बन है वापस पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, अब टू ब्रोमो, ठीक है थ्री क्लोरो पेंटेन, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो पेंटेन, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो पेंटेन, पहले भी आता है फिर आता है सी, ठीक है। अब आपके पास अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन गिनेंगे, ठीक है गिनो, एक दो बॉन्ड इस तरफ है तो इस तरफ से गिना जाएगा, बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ वर्ण है, क्या लिखोगे? नॉन, ठीक है, नॉन। अब देखो सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड करो तो क्या करोगे, डैश लगाओ, देखो सेकंड ईएन टू इन। अब थर्ड फोर्थ, फोर्थ कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड करो फोर आई, ठीक है। सेकंड कार्बन पर थी डबल बॉन्ड, तुमने लिखा डैश टू इन, ई हटा दिया, ई एन लिखा बस, ठीक है, डैश फोर आई, फोर्थ कार्बन पे क्या थी, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तो खत्म हो गया आपका बैग वाला पार्ट। अब आ जाओ उधर मिथाइल और क्लोरो, ठीक है। तो मिथाइल और क्लोरो में पहले कौन आता है, एम पहले आता है, सी पहले आता है, सी आता है ऑब्वियसली, क्या करोगे, सेवन क्लोरो, ठीक है, सेवन क्लोरो क्या होगा, सिक्स सॉरी एट मिथाइल, सेवन क्लोरो एट मिथाइल, नॉन टू इन फोर आइन, ठीक है। ऐसा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, क्लोरो। तो ये तो आ गई आपकी, हमारी क्या हो गई, बेसिक नेमिंग हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बचे हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। हमने मिथाइल कवर कर लिया, इथाइल कर लिया, क्लोरो कर लिया, ब्रोमो कर लिया, आइडो भी सेम उसी प्रोसेस से लगेगा, नाइट्रो भी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। और बॉन्डिंग भी देख लिया हमने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दो बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या करना है, तो भी देख लिया हमने, मिथाइल ग्रुप देख लिया, इथाइल ग्रुप C2H5 होता है, इथाइल ग्रुप का रह गया, कुछ नहीं होता, इथाइल ग्रुप जैसे हम मिथाइल एक तरह हमने लगा दिया CH3, एक तरह लगा दिया C2H5, क्या हो जाएगा, पांच पांच कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन हो गया। अब देखो एक दो तीन, फर्स्ट सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, और थर्ड कार्बन पे क्या है, इथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, थ्री इथाइल, ठीक है, अल्फाबेटिकली चलेंगे, और टू मिथाइल, थ्री इथाइल टू मिथाइल पेंटेन, यही है। बाकी अब रह गए हमारे फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ईथर, एस्टर, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो उसे अगले पार्ट में हम देख लेंगे, तब तक के लिए इतना ही।